बलवीर गिरी को लेकर सवाल उठ गए। सुसाइड नोट में बलवीर को उत्तराधिकारी बनाने का जिक्र था, लेकिन उत्तराधिकार को लेकर पंच परमेश्वर की बैठक स्थगित हो गई है। अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरि गिरी ने सवाल उठाए और देखिए यही है, बलवीर गिरी मुख्यमंत्री पहुंचे थे, उनके पास ही बैठे भी थे। अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरि गिरी ने सवाल उठाए हैं और बलवीर गिरी के नाम के औपचारिक ऐलान को टाल दिया गया है, क्योंकि निरंजनी अखाड़ा ही नहीं बल्कि तमाम अखाड़ों के जो संत हैं उन्होंने उस सुसाइड नोट को सिरे से नकार दिया है। उनका साफ तौर से कहना है कि न तो लेटर नरेंद्र गिरी की का लिखा हुआ है और न ही हैंडराइटिंग उनकी या फिर जो साइन है वो मैच करते हैं। ऐसे में इसको लेकर बलवीर गिरी को जो उत्तराधिकारी बनाने का जिक्र था लेटर में, उसको फिलहाल टाल दिया है। आज ही औपचारिक ऐलान होना था, लेकिन पंच परमेश्वर की बैठक स्थगित हो गई है 25 सितंबर तक के लिए। इसके साथ ही साथ निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर जो हैं कैलाशानंद गिरी, उन्होंने भी सीधे तो नहीं लेकिन संकेत दिया है कि जब चिट्ठी ही नहीं है नरेंद्र गिरी की लिखी हुई, उसी पर शक है, तो फिर उसके किसी भी कंटेंट को सही नहीं माना जा सकता। तो ये इस वक्त का बड़ा अपडेट ये भी है कि बलवीर गिरी को जो उत्तराधिकारी बनाने की बात लेटर में लिखी गई थी, फिलहाल पंच परमेश्वर की बैठक स्थगित कर दी गई। नरेंद्र गिरी जी महाराज की जो सुसाइड नोट है या उनकी आत्महत्या तो है ही नहीं है, हत्या है पहली बात। दूसरी बात, नरेंद्र गिरी जी कभी आत्महत्या नहीं कर सकते थे और नरेंद्र गिरी जी इतने कभी कमजोर दिल के नहीं थे, मैं उनको बहुत करीब से जानता था, इसलिए ये सुसाइड नोट नहीं साजिश नोट है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने SIT बिठा दी है, इसकी बारीकता से जाँच की जा रही है। दूध का दूध पानी का पानी समाज के सामने आपके द्वारा देखा जाएगा। तो सुना आपने, कैलाशानंद गिरी कह रहे हैं कि ये किसी भी कीमत पर आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है, क्योंकि नरेंद्र गिरी इतने कमजोर दिल के थे ही नहीं, और SIT जांच जो बैठी इसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कुछ और अपडेट्स आ रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। बड़ी खबर प्रयागराज से है, महंत नरेंद्र गिरी केस को लेकर बड़ी खबर। महंत नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी पर आज फैसला टाल दिया गया है। सुसाइड नोट पर संदेह के चलते आज की बैठक टाली गई है और बलवीर गिरी का जो औपचारिक नाम का ऐलान होने वाला था वो नहीं होगा। जो आरोप लगाए गए कि आपको ऐसा लगता है कि आनंद गिरी, आद्य तिवारी, विनय तिवारी जो उनके पुत्र हैं, वो सब ऐसा देखिए, मैं इतना समझता हूँ कि जहाँ तक मैंने वो राइटिंग देखी है, जो लेख लिखा हुआ है, वो गुरुदेव के हाथ के अक्षर हैं, बराबर है। तो कोई किसी तरह कोई मामला है जिनके कारण ये हुई, हम उन्हें छोड़ने की बिल्कुल भी चेष्टा नहीं करेंगे, हम उन्हें अंदर तक करवा के ही छोड़ेंगे। आप इस नई जिम्मेदारी के तैयार हैं? मान जी, आपको ऐसा लगता है? हमेशा से तैयार हूँ मैं। गुरु कहाँ शिष्य को बताएगा, गुरु तो पी जाता जहर, शिष्य का कर्म होता है कि उनके आचरणों का अनुसरण करें। कुछ लोगों ने बताया हम कि तो केवल उनके अनुसरण करने की चेष्टाएं कर रहे हैं, ठीक है। जो आरोप लगाए गए कि आपको ऐसा लगता है कि आनंद गिरी, आद्य तिवारी, विनय तिवारी जो उनके हैंड राइटिंग उनकी है नहीं, हम इतना तो आप भी देखते हैं कि जो साइन कर रहा है आदमी, और अगर आप देखेंगे बगल में तो आपको दिख रहा है वो। आप हैंड राइटिंग पहचानते हैं क्या उनकी? नहीं, मैंने पहचानता और मैंने सरकार को सभी को यही बोला है कि जो जांच का विषय है ये जांच का विषय सरकारों का है। तो सुना आपने, जो कथित सुसाइड लेटर है उसमें इन्हीं बलवीर गिरी का नाम है। कल बोल रहे थे कि मैं अक्षरों को पहचानता हूं, आज बोल रहे हैं कि मैं उस राइटिंग को नहीं पहचानता हूं। सवालों के घेरे में इनका उत्तराधिकार टल गया है फिलहाल।